सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले पीरामल फार्मा लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 3 रुपए 25 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 2.5% के करीबन अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 0.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वही 1 महीने में 13.5% की तेजी, 3 महीने में 45%, 6 महीने में 47% और 1 साल के अंदर 27% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में लगातार निचले लेवल पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी 129 रुपीज, 129 रुपीज इस पॉइंट पर स्टॉक की एक रुकावट रेंज थी, पर जैसे ही स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया गया स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक का एक टॉप था 144 रुपीज, आज भी स्टॉक उसके करंट लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है 144 रुपीज का। एक बार स्टॉक 145 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हुए आप नजर आएंगे। अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखेंगे तो 145 रुपीज के बाद ही देखने को मिलेगा। स्टॉक का नीचे का जो अब सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 137 रुपीज पर है, 137 रुपीज के स्टॉक का एक नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 137 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।